विराम के बाद एक बार फिर इस पर चर्चा में आपका स्वागत है हमारे साथ में मोहित जी। मोहित जी, एक बात हम लोग जो बातचीत कर रहे थे कि 14 नंबर वार्ड में आप तैयारी है चुनाव लड़ने की, महानगरपालिका चुनाव आने वाला है, 6 महीने के बाद काफी घमासान हो जाएगा और अभी तो 1-2 महीने में वार्ड के भी बंटवारा हो जाएगा। अगर आपको 14 नंबर वार्ड पार्टी नहीं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? किसी दूसरे वार्ड में भेज दिया तो क्या आपकी तैयारी रहेगी? उस वार्ड में आपकी क्या अपेक्षा होगी? ऐसा कुछ आपने सोचा है कि सोचा? मैंने चुनाव के बारे में कुछ सोचा नहीं है। मैं लास्ट 4 या 5 साल से खाली मैं मेरा काम के लिए सोचता हूँ, मैं पब्लिक को कैसे मदद रूप हो सकूं तो उसके बारे में सोचता हूँ। मैं रीवा मित्र मंडल बनाया तभी से मैं खाली, मेरा एक ही हेतु था कि पब्लिक की सेवा करनी चाहिए मुझे। मेरे और मेरा फ्रेंड मिलकर पब्लिक की हम लोग सब सेवा ही कर रहे हैं। इन बिटवीन ना मेरे को कमलेश भाई और सबसे पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी के सब नेता कमलेश भाई, राजेश भाई, भूषण भाई, शिवा भाई, सावंत भाई, अरुण सूत्रालय सर जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो सभी से मेरी पहचान हुई और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और चुनाव लड़ने की बात आई, मेरे को मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग पार्टी वाले भी बोलते हैं लड़ने के लिए, तो मैं सब रेडी हूँ। हाँ, मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ना, मुझे चुनाव लड़ना है। और बात हुई कि दूसरे ओर की, जहाँ मेरी पार्टी और मेरा शीर्ष नेतृत्व और मेरे जिला अध्यक्ष तय करेंगे कि मोहन भाई आपको इधर से चुनाव लड़ना है, तो मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। लड़के और जीत के भी दिखाएंगे? हाँ, 100% मैं जीत के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मेरा काम के ऊपर विश्वास रखता हूँ। अच्छा। बोलने के लिए बोलता हूँ, आप मेरे 14 नंबर वोट में आप किसी को भी पूछो कि मेहुल भाई ने कितने काम किया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आम जनता को मालूम है कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या काम करने वाला हूँ आगे भी। अब मैं ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे इलेक्शन के पहले कि हम 90 दिन में हम लोग काला धन लाएंगे, 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में आएगा। मेरे तो अकाउंट में आया नहीं है, आप लोग के अकाउंट में आया रहेगा तो हमको मालूम नहीं है, किसी के अकाउंट में आया नहीं है। तो मुंगवारी घटने वाली थी, आज तक मुंगवारी घटने का कोई सवाल नहीं, मुंगवारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे करते, हर एक प्रधानमंत्री विदेश दौरे से हर प्रधानमंत्री करते इतने करते हैं, और तो भाई पहली बार देख रहे कि भाई वीजा मिलते नहीं दे रहे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक विदेश दौरे चालू ही है करके। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बोला और काम नहीं होएगा। मैं मेरा आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि मैं बोला हूँ मैं काम 100% करेगा, मेरी उधर से और जुमला नहीं साबित होएगा जो और पार्टी की ओर से खाली इलेक्शन के लड़ने के लिए जुमला होते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे तो मैंने आपके पास आते हुए मैंने बता दूं दर्शकों को कि जब हम यहाँ पे इनके पास इनके हम घर पे बैठ के चर्चा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब जब हम लोग, हमारी टीम इनके घर पे आने के लिए यहाँ पे आ रही थी तो रास्ते में कहीं पूछना पड़ा, और पूछते समय जब हमने यहाँ पे इनकी बिल्डिंग का नाम लिया, सोसाइटी का नाम लिया, तो शायद लोग कुछ लोग नहीं बता पाए, लेकिन जब हमारे मुंह से यह निकला कि मोहित जी गोसारिया जी के पास मुझे जाना है, तो फटते थे मुझे रास्ता बता दिया गया। यानी आदमी व्यक्तिगत रूप से कितना परिचित है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो आपका परिचय आप लोगों को, आपको लोग जानते हैं, लेकिन अभी रहा कि 14 नंबर वार्ड में आप अगर चुनाव मान लीजिए जीत जाते हैं, नगर सेवक होते हैं, तो आप पहले क्या क्या काम यहाँ पे करेंगे? मेरा काम तो चालू ही है, अभी भी मैंने फिलहाल 14 नंबर वार्ड में हमारे बीएमसी लेवल पे, आपने सामाजिक लेवल पे तो आपका काम चालू है, बीएमसी युवा मित्र मंडल है, सामाजिक संस्था है, समाज के रूप से आप काम कर रहे हैं। बीएमसी लेवल पे आपको बीएमसी पावर देगी, आप नगर सेवक होंगे, आपके पास फंड होगा, बजट होगा, उस बजट से सबसे पहले उपयोग कहाँ कहाँ क्या करते हैं? पहले तो मैं नाली नाला जो है गटर वगैरह साफ नहीं हो रहे थे, अभी लास्ट 5 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ गटर साफ हो रहे जी, अमुक अमुक एरिया में अभी साफ हो रहे हैं, और जो कचरा निकलता है 15-20 दिन उधर ही पड़ा रहता है, हम लोग को साफ करके दूसरी जगह पे रखना पड़ता है करके। वैसा नहीं होगा, मैं पहले तो नाली नाला जो सब साफ करवाएंगे। स्ट्रीट लाइट हमारे इधर के दादाजी पार्क में शाम को 6-7 बजे स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है, वो भी ऐसा नहीं कि भाई बंद करवा दो करके। अभी हम लोग ने कंप्लेंट डाला हुआ है बीएमसी में कि भाई रात के टाइम गर्मी का मौसम है, सब लोग वॉक करने के लिए जाते हैं दादाजी पार्क में, तो स्ट्रीट लाइट होना जरूरी है। लाइट वगैरह पब्लिक ऐसे कुछ भी किस्सा बन सकता है करके। दूसरा है अभी हम लोग ने लाइट डॉक्स रखा था लास्ट 1-2 महीने पहले, पुलिस पब्लिक का लाइट डॉक्स झंडा धर्मा टाइप हम लोग ने रखा था,
उसमें हम लोग ने चंडीगढ़ जी थे जो पुलिस लोग चंडीगढ़ में बोरेली में जो हो रहा था वो जो पुलिस ऑफिसर हो गुनाजी सावंत सर है पुजारी सर है वो सब मिलने मिलकर जो अच्छा काम किया था हम लोग ने उसको अप्रिशिएट करके ट्रॉफी दी युवान मित्र मंडल की ओर से उन्हें का सर्टिफिकेट सबको बांटा हम लोग ने। उसी टाइम हम लोग ने एक बहुत जनरल रूप में सवाल पूछा मैं मेहू भाई आप हमारे लिए क्या कर सकते हो और उस टाइम पे हम लोग को दो तीन ऐसा क्वेश्चन था कि भाई हमारे पास पुलिस का नंबर आसानी से नहीं मिलता है कि कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं मिलता है तभी हम लोग को बोला गया कि आप हम लोग को पुलिस का नंबर ला के दो बीट ऑफिस का नंबर ला के दो कि किसी को भी काम रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आम आदमी। उसी हमारे झंडा दरबार के ढोल या तीन दिन बाद मैं और मेरी पूरी टीम ने घर घर जाके वो पुलिस के नंबर और जो खास खास इम्पोर्टेंट नंबर है पुलिस पब्लिक के और हमारे विभाग मित्र मंडल के हॉस्पिटल के फायर के वो सब नंबर हम लोग ने पहुंचाए। और दूसरा पार्किंग का हमारे एक बात हुआ रहा था सोनीवाड़ी में वगैरह पार्किंग का इधर आप रस्ते में जाएंगे तो दोनों साइड पार्किंग लगी हुई है वही पार्किंग के लिए हम लोग ने बीएमसी में लेटर वगैरह डाला हुआ है और पूरा नो पार्किंग है मगर दोनों बाजू पार्किंग लग जाते हैं हमको हमारी गाड़ी निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है वो भी मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है पार्किंग के लिए। दूसरा है हमारे उधर संजोग बिल्डिंग करके सत्यम बिल्डिंग करके है हमारे उधर उधर से हम लोग को एक फोन आया था दो चार दिन पहले हमारे लाइव टॉक शो के बाद तो भाई इधर बीएमसी का पानी वेस्टेड हो रहा है हम लोग ने सबको बताया बीएमसी में इतना एप्लीकेशन वगैरह डाला मगर काम नहीं हो रहा है। रात को 11 बजे वहाँ के सेक्रेटरी भावना बेन ने हमें फोन किया था तो उसी दिन हम लोग ने 11 बजे मैं और मेरे युवा मित्र मंडल के फ्रेंड चिराग है अजय है और लोग हम लोग सब साथ में जाके वॉच किया और अब सब फोटो वगैरह निकाला बीएमसी में लेटर देकर नेक्स्ट डे महावीर जयंती थी। महावीर जयंती होते हुए भी हम लोग ने वो काम करवाया बीएमसी के पास से वो हमारे हेड टू शिवा भाई की बदौलत वो काम हुआ मतलब पानी जो पानी जो रहते हो महाराष्ट्र में पूरा देखा जाए तो पानी है नहीं है नहीं बीएमसी जो जगह पे वैसे ही हमारे इधर द्वारका होटल है बाजू में द्वारका होटल के पास लाइट का बहुत बड़ा केबिन है उसके बाजू ही पानी वेस्टेड हो रहा था वो भी हम लोग ने करवाया। इधर द्वारका होटल के सामने सेलिंग होटल के सामने बीट ऑफिस पुलिस छुट्टी था उधर भी बहुत बड़ी पानी की पाइपलाइन फट गई थी वो भी हम लोग ने सब नोटिस वगैरह देख के और बीएमसी में बात करके और सब हम लोग ने करा मैं आपको लेटर का कॉपी वगैरह दिखाना चाहता हूँ आपको और आम पब्लिक के लिए। हमने देखा यहाँ पे जो मैंने जो बताया कि जल ही जीवन है इससे लोगों को प्रेरणा मिल लेनी चाहिए लोगों को सीख मिलना चाहिए हर वार्ड में हर गली में मुंबई में हर जगह पे तो मुंबई नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे देश लेवल पे जल को बचाना है। पहले नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज अगर नारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है तो बेटी के साथ साथ जल का हो गया क्योंकि जल हमारे पृथ्वी से धरती से धरातल से कम होते जा रहे हैं और लोगों के जल का संकट एक बड़ा तूफान बड़ा ही बहुत बड़ा संकट बनकर भरा रहा है। ऐसे में मेहू जी का एक कार्य जल को बचाना बूंद बूंद बचाना उसके जल से उस पानी से न जाने कितने घरों में लोगों को पानी पीने के लिए मिला होगा जहां पर बॉटल हम 20-30-50-50 रुपए की पानी बॉटल खरीदते हैं उस पानी को बचाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने कई जगह बताया दो तीन ऐसे उदाहरण दिए जहां पर इनकी पूरी टीम ने जाकर के और उस लेवल पे ठीक है जो काम बीएमसी का होता है बीएमसी लेवल तक बीएमसी को जगाना बीएमसी को लाना रोड पर लाना बीएमसी को उससे काम करवाना ये बहुत बड़ी बात होती है। मोहन जी ने ऐसा किया जब इनके पास कोई पावर नहीं है कोई सत्ता नहीं है कोई अधिकार नहीं कोई सरकारी फंड नहीं है लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर आदमी में ब्लड में अगर समाज सेवा भरा हो तो आदमी सामाजिक काम करता है। मोहन जी एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी में हर पार्टी में कहीं कहीं अंदरूनी कला होती है जैसा कि कांग्रेस पार्टी में तो है ही आज के दौर में देखा जाए तो संजय निरुपम और गुरदास कामत दो गुट बने आप कांग्रेस से जुड़े हुए आप तो अशोक सूत्रालय के नेतृत्व में इधर उत्तर मुंबई जिला में काम कर रहे हैं आपको एक वार्ड अध्यक्ष का पद भी दिया गया जिम्मेदारी भी दी गई है आप बताइए कि अंदरूनी कला जो ये पार्टी की है या ये पार्टी की अंदरूनी कला बीएमसी के चुनाव में इसका असर कैसा रहेगा इसको खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी तो एक बार मैं आपको पहले क्लियर कर दूं अभी तो मैं फिलहाल ब्लॉक 64 का सेक्रेटरी हूं जी हां जी ब्लॉक 64 का सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी में कोई कार्य नहीं है किसी भी हमारे शीर्ष नेतृत्व में से लेके मुंबई के नेतृत्व में किसी के आप किसी को आपस में दूसरे कुछ भी चले नहीं है जी हां और बीएमसी में सब एकजुट होकर बीजेपी शिवसेना के सामने आएंगे। आप गुरदास कामत जब अध्यक्ष थे
सबका नेतृत्व अच्छा था या निरुपम के अध्यक्ष तब का नेतृत्व अच्छा दोनों, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कमेंट नहीं करेंगे। अभी अशोक छुत्राले का कैसा इधर नेतृत्व में दिलाएंगे? एकदम मेरे लिए तो सबका नेतृत्व तो बेस्ट है। जो मेरे सीट सोनिया जी और राहुल जी जिसको आगे करते हैं, हाँ। तो ये आपके लीडर है, मेरे लिए सब बराबर है। बराबर अशोक सूत्राले जी भी एकदम मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को हेल्प करते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइएगा मेहुल जी की वार्ड नंबर जो 34 से आपकी तैयारी है, ये 14 नंबर थी, ये एक तरीके से जैन वोटरों का देखा जाए तो बहुत बड़ा गढ़ है मतदाताओं का, यहाँ पे जैन लोग ज्यादा हैं और आप भी एक तरीके से जैन समुदाय से भी जुड़े हुए बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जैन धर्म जैन लोगों के लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मंदिर की सफाई जो मंदिर का पूजा पाठ का जो भी चीज है उनकी कार्यक्रमों का जो रूपरेखा है यहाँ पे कैसा है और कैसा होना चाहिए, आपने कभी इस पर विचार किया? हमारा पूरा वोट 14 नंबर का जैन है, 14 नंबर में पूरा बोली वाली 80% लोग जैन लोग जैनी है जी जी। और जैन में एक बार हमारे नैन प्रश्न महासागर गुरु लोग आए थे, तभी ना शिविर के लिए हम लोग को परमिशन भी हम रोकना चाहेंगे यहाँ पे, हम इसको आपको जारी रखेंगे। एक छोटा सा विराम हो गया, एक छोटा सा विराम लेंगे, विराम के बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए मेट्रो मुंबई।